उदाहरण आठ, किसी लोहे के गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका वक्र पृष्ठ और क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। दिया है गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 4π r³, जहाँ 4π का मान 22/7 गुणित त्रिज्या जो है हमारे पास 7 सेंटीमीटर 7² या 4 × 22/7 × 7 × 7, यहाँ पे 7 × 7, 7 × 7, इस तरह से 22 × 4 = 88 × 7 = 616 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4π r³ में r का मान 7 सेंटीमीटर रखकर ज्ञात किया कि गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है। आगे देखते हैं, अब हम देखेंगे गोले का आयतन का सूत्र है 4/3π r³ बराबर 4/3 × π = 22/7 × r जो त्रिज्या है हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, 7³ बराबर 4/3 × 22/7 × 7³ को हम 7 × 7 × 7 लिखेंगे। यहाँ पे 7 एकम कट जाएगा और फिर 4 को 22 से गुणा करें तो 88, 4 × 22 = 88 × 49/3 को जब हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1437.33 घन सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने गोले का आयतन ज्ञात किया। गोले का आयतन बराबर 4/3π r³, जहाँ पे त्रिज्या हमने 7 रखा, 7 सेंटीमीटर, और इसके बाद हल करने के बाद हमने गोले का आयतन ज्ञात किया 1437.33 घन सेंटीमीटर। यह इस उदाहरण का हल होगा।